हेलो एवरीवन एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में सर्फिंग क्रिएशन में स्वागत है। एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये स्पीकर है, इसका नाम है S09 एंड ये ब्रांड वेव प्लस के अंडर है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। एंड तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग मैंने दिखाया नहीं है उसको, बट मैं स्पीकर का रिव्यू डाल देता हूँ, कोई अनबॉक्सिंग की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसे खास। तो चलिए जो मेन चीज़ है वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से हाल में ऑर्डर किया है एंड इस अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गया है मार्केट के अंदर, अभी दिख ही रहा होगा आपको S09 यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर। और ये दो डिजाइन्स में वेरिएंट्स में अवेलेबल है, बट अभी जो अवेलेबल है वो ये वाला वेरिएंट है, ये डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। तो इसके बॉक्स की देख लेते हैं, यहाँ पे S09 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है। साइड में ये डिज़ाइंस है, ये S09A है, S09B है, ये डिज़ाइन नहीं है हमारे पास अवेलेबल, अभी ये डिज़ाइन अवेलेबल है यहाँ पे। इसमें तीन कलर वेरियंट्स आते हैं, ब्लैक, रेड और सिल्वर, अभी जो अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ दोबारा ब्रांडिंग है, स्टिकर्स है और यहाँ पे थोड़ी सी वो है, इस पर लिखा हुआ ब्लूटूथ वर्जन है, ट्रांसमिशन डिस्टेंस 10 मीटर है, आउटपुट पावर प्ले टाइम 2 से 4 घंटे है, ऐसे साउंड टू नॉइस रेशियो है एंड स्टोरेशन, बैटरी कैपेसिटी 1200 mAh की बैटरी, चार्ज टाइम इसमें 2 से 4 घंटे आपको बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलता, तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे ये लेस है जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या काम आएगा। एंड ये आपको मिल जाती है चार्जिंग केबल, तो क्वालिटी चार्जिंग केबल की अच्छी है मेरे हिसाब से, काफ़ी ठीक ठाक आपके पास दी है स्पीकर के साथ। वैसे ऐसी पिछले जो स्पीकर थे उनमें मिलनी मिलती है और ये केबल है। और इसके अलावा आपको मिल जाता है ये स्पीकर यहाँ पे। तो स्पीकर की सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मेट ब्लैक मिलता है, मेट ब्लैक कलर मिलता है। एंड जो भी ये कलर है सबके इसमें मेट फिनिश में आते हैं, मेट फिनिश में आते हैं, तो जिससे कि ये काफ़ी जो है अच्छा दिखता है स्पीकर। एंड कॉम्पैक्ट सा स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एंड ये बेस हो गया, पीछे आपको क्या क्या मिलता है, ऑन ऑफ बटन, पावर DC 5 वोल्ट, एंड यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे USB और ये ऑक्स लगा सकते हैं, वेंट है इसका। आगे आपको दो स्पीकर जो है मिलते हैं और ये डिज़ाइन जो है स्टडी स्पीकर है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है बट अच्छा है डिज़ाइन। यहाँ से आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा बट पता नहीं, जो ये कलर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेट फिनिश है। एंड यहाँ पे मोड बटन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ब्लूटूथ, ऑक्स एंड FM रेडियो के लिए। इसमें हाँ FM रेडियो आपके साथ मिलता है। ये पावर बटन है, ये प्ले पॉज बटन है, पावर और प्ले बटन से आप फॉरवर्ड और बैक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी और एक बार दबाएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा कोई भी ट्रैक अगर आप चला रहे हैं, इसको ब्लूटूथ वगैरह लगा के अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अगर इसमें चला रहे हैं तो ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, इस जो लेस का काम है वो ये है कि आप इसमें यहाँ पे टाई अप करके इसको एक डिज़ाइन सा इसको लटका भी सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लेस आपको दिया जाता है, आपकी मर्जी है। तो आप लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते। तो अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ ये हो गया है ऑन, और यहाँ पे छोटी सी लाइट ब्लिंक होती है, शायद वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल मामूली सी लाइट जो है अगर आप देख पा रहे हो तो ब्लू कलर की, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं मिलता। चलिए एक बार इसमें प्ले करके देख लेते हैं कुछ। मैंने इसको कर लिया अपने लैपटॉप से कनेक्ट और इसमें चला के देखते हैं कि सॉन्ग कैसी जो है इसमें ऑडियो आपको सुनाई देती है। एक शॉर्ट जो है मैं आपको सुनाऊंगा। ओके तो
अभी आपको ऐसे अंदाजे नहीं आएगा, तो मैं एक अच्छी चीज में बता देता हूँ कि ये जो स्पीकर है इसमें सबसे अच्छी चीज जो मेरे को ये लगी है उसकी ये है कि इसमें सिर्फ ऑडियो नहीं है, कि बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जिसमें सिर्फ ऑडियो होती है, बेस बिल्कुल भी नहीं होता, तो बिल्कुल माइनर होता है, तो इसमें बेस भी आपको मिल जाता है जो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है वॉइस का। तो वॉइस के मामले में, साउंड क्वालिटी के मामले में, इसमें बेस भी आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी है तो K9 स्पीकर है, साउंडिंग का K9, तो उसमें जो बेस मिलता है वैसा ही बेस आपको इस स्पीकर मिलता है, एंड इसकी क्वालिटी और बेस दोनों परफेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आपको बेस मिलता है, बट जो इस प्राइस रेंज में है और कंपैरिजन में और दूसरे स्पीकर के कंपैरिजन में, बहुत सारे स्पीकर है मार्केट में जैसे कि आप कह सकते हैं चार्ज 2 है या चार्ज 3 है, तो उनके मुकाबले में काफ़ी अच्छा बेस ये देता है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस स्पीकर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये अराउंड आपको 1000 के अराउंड इसके कॉस्टिंग है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाके, अगर आपको बाय करना तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल भी लिंक में दे दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।